गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट और एक्सरसाइज फोर बी ऑफ चैप्टर नंबर फोर मल्टीप्लीकेशन और फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द प्रोडक्ट फर्स्ट पार्ट टू हंड्रेड थर्टी वन मल्टीप्लाई बाय वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री तो यहाँ पे हमने टू हंड्रेड थर्टी वन को वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो हम सबसे पहले टू हंड्रेड थर्टी वन फिर मल्टीप्लाई का सिंबल डालकर 123 लिख लेंगे तो so, सबसे पहले हमने 3 से 231 को मल्टीप्लाई करना है फिर 2 से 231 को मल्टीप्लाई करना है फिर 1 से 231 को हमने मल्टीप्लाई करना है सो डेयर स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं मीन्स वनस प्लेस डिजिट से हम मल्टीप्लाई जो है वो स्टार्ट करते हैं तो थ्री से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई तो थ्री वन ज़ आर थ्री 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 ज़ार नाइन देन थ्री टू जार सिक्स नौ जब हमने सेकेंड डिजिट से बेटा मल्टीप्लाई स्टार्ट करनी है तो हमने यहाँ पर फर्स्ट जो डिज़िट है हमारा उसके नीचे क्रॉस पुट करना है फिर हमने सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई जो है टू हंड्रेड थर्टी वन को करनी है नौ टू वन जार टू देन टू थ्री ज़ार सिक्स टू टू जार फोर और जब हमने थर्ड डिजिट से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो हमने देखो जब सेकेंड डिजिट से हमने स्टार्ट की थी तो वन क्रॉस पुट किया था ना वन ये जो वंस प्लेस पे डिजिट था अब जब हमने थर्ड डिजिट से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो हमने जो हमारा वंस प्लेस पे और जो टेंथ प्लेस पर डिजिट्स है वहाँ पर हमने क्रॉस पुट करने हैं फिर हमने थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करना है 231 को तो मल्टीप्लाई करते हैं वन वन जार वन वन थ्री जार थ्री देन वन टू जार टू और लास्ट स्टेप हमारा होता है हमारे जो तीनों नंबर्स हैं ये हमने इनको ऐड करना है तो थ्री में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है ठीक है क्रॉस है यहाँ पे भी क्रॉस है इट मीन्स थ्री एज इट इज ही आ जाएगा नाइन प्लस टू इलेवन वन आंसर में लिख लेंगे और वन कैरी में ले जाएंगे हम यहाँ पर और इनमें ऐड कर देंगे कैरी तो सिक्स प्लस वन सेवन प्लस सिक्स थर्टीन प्लस वन फोर्टीन फोर आंसर में लिख लेंगे और कैरी नेक्स्ट डिजिट में हम प्लस कर देंगे यहाँ पर तो फोर प्लस वन फाइव प्लस थ्री एट आ गया देन टू एज इट इज़ तो कितना आंसर आ गया ये ट्वेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टीन तो बी पार्ट सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 311 को 205 से तो सबसे पहले हमने 311 लिख लिया फिर मल्टीप्लाई का सिंबल डाला फिर हमने 205 लिखा नौ फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हम फिर जीरो से फिर टू से 311 को तो पहले फर्स्ट डिजिट से करते हैं फाइव वन जार फाइव फाइव वन जार फाइव देन फाइव थ्री जार फिफ्टीन अब ज़ीरो से जब हमने मल्टीप्लाई करना है 311 को तो हमने सेकेंड यहाँ पर देखो सेकेंड लाइन में फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस पुट करना है और फिर मल्टीप्लाई स्टार्ट करनी है तो ज़ीरो वन जार जीरो, देन ज़ीरो वन जार ज़ीरोन जीरो थ्री जार ज़ीरो क्योंकि हमें पता है जब हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है ज़ीरो मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको मल्टीप्लीकेशन की चैप्टर के स्टार्टिंग में करवाई थी उसमें एक प्रॉपर्टी हमारी ये भी थी कि जब हम किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो ज़ीरो आता है तो नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड डिजिट से तो बेटा जब हमने थर्ड डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमने टू क्रॉस पुट करने हैं देखो वन्स प्लेस डिजिट के नीचे और टेंस प्लेस डिजिट के नीचे फिर हमने थर्ड डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करनी है नाउ टू वन जार टू देन अगेन टू वन जार टू देन टू थ्री जार सिक्स और लास्ट स्टेप है हमारा हमने तीनों ही नंबर को यहाँ पर प्लस करना है तो फाइव में कुछ भी प्लस नहीं हो रहा फाइव एज इट इज ही आ जाएगा यहाँ पे फाइव में ज़ीरो प्लस किया फाइव फाइव में ज़ीरो प्लस किया फिर टू यह आ गया सेवन देन टू प्लस वन थ्री देन सिक्स तो आंसर आ गया सिक्सटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी फाइव थर्ड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट सी 249 मल्टीप्लाई बाय 34 तो बेटा हमने यहाँ पे 249 को 34 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 249 लिख लेंगे फिर मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे देन 34 लिख लिया हमने और फर्स्ट डिजिट से हमने पहले 249 को मल्टीप्लाई करना है फिर सेकेंड डिजिट से तो फर्स्ट डिजिट से करते हैं मल्टीप्लाई फोर नाइनज आर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स का सिक्स जो है वो आंसर में हमने लिख लिया और कैरी जो है थ्री उसको माइंड में रखा अब फोर फोर जार सिक्सटीन मल्टीप्लाई कर लिया हमने अब यहाँ पे कैरी था हमारे पास थ्री तो थ्री ऐड कर लेंगे सिक्सटीन में ये बन जाएगा नाइनटीन नाइनटीन का नाइन आंसर में लिख लेंगे और वन अगेन जो कैरी है उसको हम माइन में रखेंगे नौ फोर टू जार एट एट में वन कैरी जो प्लस कर देंगे ये आ जाएगा नाइन तो बेटा ये आ गया नाइन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स नेक्स्ट स्टेप में थ्री से हम इसको टू हंड्रेड फोर्टी नाइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला सबसे तो पहले हमने फर्स्ट फंस प्लेस डिजिट के नीचे क्रॉस पुट करना है फिर मल्टीप्लाई करनी है तो थ्री नाइन ज़ार ट्वेंटी सेवन सेवन आंसर में आ गया टू हम कैरी में यहाँ पर नेक्स्ट प्लेस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने माइंड में रखना है तो थ्री फोर जार ट्वेल्व ट्वेल्व में टू कैरी प्लस किया फोर्टीन तो वन आ गया कैरी में नौ तो थ्री टू जार सिक्स और वन कैरी प्लस करेंगे सेवन आ जाएगा तो बेटा ये आ गया सेवन हंड्रेड फोर्टी सेवन नेक्स्ट स्टेप में दोनों ही नंबर को हमने ऐड कर लेना है तो सिक्स में क्रॉस है यहाँ पे, तो इट मीन्स कुछ भी ऐड नहीं हो रहा सिक्स एड एज इट ही आ जाएगा नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन आ गया सिक्स आंसर में लिख लिया कैरी नेक्स्ट डिजिट में हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे नाइन प्लस वन टेन प्लस फोर फोर्टीन फोर आंसर में वन कैरी नेक्स्ट डिजिट में हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो सेवन प्लस वन एट तो बच्चे आंसर आ गया एट थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी सिक्स